नमस्कार पायनियर, देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृष्णा। आज इंटरनेशनल योगा डे है। इस वक्त हम मौजूद हैं सेक्टर 12 में। जैसे कि आप मेरे पीछे देख ही पा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ लोग हैं, कुछ लड़कियां हैं जो योगा कर रही हैं। वैसे तो योगा का हमारे जीवन में एक अलग ही महत्व होता है। अगर हम एक दिन की बजाय रोज़ रोज़ हम अपने इसको दिनचर्या है उसमें शामिल करें तो जो हमारी हेल्थ है वो बेहद ही अच्छी रहेगी। अब हम इनसे जानेंगे जिस तरीके से आसन कर रहे हैं, इनका महत्व क्या है, इनका बेनिफिट क्या है। नमस्ते, मैं प्रीति ठाकुर, योगा टीचर। मैं आज आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में योगा आसन के कुछ बेनिफिट्स बताना चाहती हूँ जो कि हमें अपनी डेली रूटीन लाइफ में सभी को करना चाहिए। जैसे कि हमारे आसन फ्लेक्सिबिलिटी से कुछ बैलेंस से रिलेटेड होते हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी जैसे कि हमारी डेली रूटीन लाइफ में हम किस तरह से अपने डे टू डे काम को करते हैं, तो हम समटाइम एक्सेप्ट नहीं कर पाते कुछ चीज़ों को, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी हमारे मेंटल लेवल पर भी हमें हेल्प करती है कि किस तरीके से हमें अपने जो डिसीजंस हैं वो लेने चाहिए और हमारी लाइफ में हमें अपने जितने भी डिसीजंस हैं उनको बैलेंस कैसे करके चलना चाहिए, हमें अपनी लाइफ को कैसे बैलेंस करना चाहिए। बहुत सारे आसन हैं, जैसे कुछ हमें मानसिक रूप से, कुछ शारीरिक रूप से और कुछ आध्यात्मिक रूप से भी हमें स्वस्थ बनाने में हमारी मदद करते हैं। तो जैसे कि अभी आप देख रहे हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम, तो आज के सर्कमस्टांसेस जो भी चल रहे हैं कोविड से रिलेटेड, तो ये हमारी लंग्स कैपेसिटी इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करते हैं। हमारी जितने भी हमारे वायरस है वो हमारी बॉडी में तभी अफेक्ट करते हैं, या तो हमारी लंग्स कैपेसिटी बहुत वीक हो जाती है या हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। तो इन चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम अपने योग में प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, अपने शरीर से दृढ़ अभ्यास करते हैं ताकि हम अपने शरीर को उस रूप तपा सकें कि हम इन सारे चीज़ों से लड़ने के लिए खुद को तैयार कर सकें। अभी जो हमने किया वो था प्रज्ञा योग। प्रज्ञा योग जो है गायत्री परिवार से लिया गया है और प्रज्ञा का मतलब जो होता है बुद्धि, मतलब ये इसमें 16 स्टेप्स वाला, हमारे जितने भी आसन इसमें हैं बैकवर्ड या फॉरवर्ड, हमारे नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है और साथ में हमारी प्रज्ञा यानी बुद्धि को शांत करने वाला, हमारी बुद्धि को आरामदायक अवस्था में पहुँचाने वाला ये जो एक समूह है 16 आसनों का। तो जैसा कि आपने देखा कि किस तरीके से आज इंटरनेशनल योगा डे के अवसर पर यहाँ पर इन लोगों ने योगा किया,
लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप किसी डे पर ही योगा आसन करें या ये सारी चीज़ करें। अगर आप अपने डेली रूटीन में ये सारी चीज़ें ऐड करेंगे तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके हेल्थ के लिए ही बहुत ज़रूरी रहेगा और इससे आपकी हेल्थ है वो भी बहुत अच्छी रहेगी। आज के लिए इतना ही, और ऐसी मतलब हर चीज़ों से हम आपको ऐसे ही हर जानकारी आप तक पहुँचाते रहेंगे। जुड़े रहिए पायनियर हरियाणा के साथ।